अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष श्री एनकेपी सालवे से मैं निवेदन करूंगा कि वे माइक्रोफोन पर पधारें। श्री सालवे जी। राजीव जी, लता जी, कपिल देव और उनके विजेता संघ के सदस्यगण, भाइयों और बहनों, हम बहुत आभारी हैं आपके कि इस समारोह में, इस जलसे में आप आए और आपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आश्रय दिया, सहारा दिया, ताकि हम टीम के लिए एक काफ़ी राशि कायम कर सके। आज के समारोह की, जलसे की आधारशिला है लता जी। जब लंदन में उनसे ये निवेदन किया गया कि टीम के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना है, तो लता जी बहुत खुशी से राजी हो गई। हम उनकी बहुत आभारी हैं कि उनके वजह से आज ये जलसा हम यहाँ कामयाब कर पाए और इस जलसे में एक राशि एकत्रित कर पाए जो हम अपने क्रिकेटर्स को दे पाएंगे। मैं कपिल देव जी और उनके जितने प्लेयर्स हैं विजेता टीम के, उनको अपने तरफ से, बोर्ड के तरफ से, आप सब के तरफ से बधाई देता हूं। जय हिंद। अब हम टीम के कप्तान कपिल देव से निवेदन करेंगे कि वो आपसे बात करें। कपिल। मैं अपनी टीम की तरफ से लता जी को और बोर्ड को और आप सबको धन्यवाद कहता हूं कि आपने ये सब कुछ किया, और प्लेयरों को ये कहना चाहूंगा कि और हम मेहनत करेंगे और इसी तरह जीत और देश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और अब हम राजीव जी से निवेदन करेंगे कि वो इन युवा खिलाड़ियों को अपनी बात कहें। कपिल देव जी, खिलाड़ियों, बलराम जी, लता जी, सालवे जी, साथियों, मैं जानता हूं कि आप सब ठहरे हुए हैं कि लता जी गाना शुरू करें, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मैं खाली सब खिलाड़ियों को और ख़ासकर कपिल देव जी को मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया खेल खेला और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा उठाया। हमारी दूसरी टीमों को भी इसी तरह खेलना चाहिए, साथ मिलकर, क्योंकि पहले भी हमने देखा है हमारे खिलाड़ी कभी पीछे नहीं होते थे, लेकिन कभी कभी कोई अच्छा खेलता था, कभी कोई अच्छा खेलता था। जब सब साथ मिलकर अच्छा खेले हैं तो नतीजा आपके सामने है। धन्यवाद।